पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि टीएमसी से नेताओं के इस्तीफे देने की होड़ मच गई है। कई नेताओं के पार्टी से अलविदा कहने के बाद अब ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या लक्ष्मी रतन भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियों के बीच ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक टीएमसी नेता ममता का साथ छोड़ दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ गयी। लक्ष्मी रतन शुक्ला बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। हालांकि अभी वो तृणमूल कांग्रेस से ही विधायक हैं। अभी लक्ष्मी रतन शुक्ला किस पार्टी का रुख करेंगे, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो लक्ष्मी रतन शुक्ला राजनीति से ही अलग होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मंत्री पद के अलावा हावड़ा से टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि लक्ष्मी रतन शुक्ला भारत के लिए 3 वनडे खेल चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने राजनीति का रुख किया था और चुनाव जीतकर बंगाल के हावड़ा उत्तर से विधायक बने थे, जिसके बाद उन्हें ममता सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री का पद मिला। चुनावों से पहले लक्ष्मी रतन का टीएमसी से मंत्री पद छोड़ना ममता के लिए चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस साल मई में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ममता की टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ी और बीजेपी में आ गए। उसके अलावा उनके समर्थक टीएमसी विधायक भी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ जुड़ गए। टीएमसी का साथ छोड़ने वाले नेताओं का आरोप है कि जब से पार्टी में अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर का दबदबा बढ़ा है, पार्टी में सही से काम नहीं हो रहा। हालांकि बीते दिनों ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ लोगों को ले जाने से उनकी पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा, बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। टीएमसी से मंत्री पद छोड़ने के बाद पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन किस पार्टी का रुख करेंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि टीएमसी से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नेताओं ने बीजेपी का ही दामन थामा है, जिससे इस बार चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।